नमस्ते जोहार, मैं अनुराधा, झारखंड की बाबा नगरी से। अनुराधा कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं झारखंड के एक स्थानीय सब्जी जिसे कि अरुआ या खमीरू के नाम से जाना जाता है, इस सब्जी को आज मैं बनाने वाली हूँ। और इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस खरुआ को या खमीरू या फिर अरुआ जिसे बोला जाता है, इसे मैंने ले लिया है। और इसका जो स्वाद होता है वो ओल या जिसे कि सूरन भी बोला जाता है उससे भी बेहतर होता है। और अगर कभी आपको मौका मिले तो इसकी सब्जी आप ज़रूर बना के खाइएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमें जिन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है सारी सामग्री मैंने यहाँ पे रख ली है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने चौपली काट लिया है, यहाँ 8 से 10 लहसुन और 4 से 5 अदरक के टुकड़े, जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ ले ली है। और सारी चीज़ों को यहाँ हमें मिक्सी में डाल देना है। हम मैं इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसे कि मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसका आप पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मसाले को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। जब तक हमारा मसाला इधर तैयार होता है, यहाँ मैंने प्याज भी रखा है, इसे भी मैं फ्राई होने के लिए रख दे रही हूँ, इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर मैं खमेरू को काट कर तैयार कर लेती हूँ। इसे हमें पहले थोड़ा सा छील कर तैयार कर लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप चाकू की सहायता से इस तरीके से आप इसे घस लेते हैं तो काफ़ी आसानी से ये इसके छिलके निकल जाते हैं, क्योंकि ये छिलके जो होते हैं काफ़ी पतले होते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे छिलकों को निकाल कर पहले तैयार कर ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसे छील कर तैयार कर लिया है। मैंने पूरा भाग इसका नहीं छीला है क्योंकि ये इतना ज़्यादा हमें नहीं बनाना है, तो मैं इतना ही बनाऊँगी, इसलिए मैंने इतना ही छीला है। और ये अब इसे मैं यहाँ काट ले रही हूँ, काट कर इसे मैं धो लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दिया था, पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसे मैं प्याज डाल दे रही हूँ और इसे हमें ब्राउन कर फ्राई कर तैयार कर लेती हूँ। जब तक मैं सब्जी को काट लूँगी तब तक हमारी प्याज भी फ्राई हो जाएगी। अब मैंने इसे धो लिया है, इसे काट ले रही हूँ। इस तरीके से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेना है, जैसे कि आप ओल बनाते हैं सूरन की सब्जी, बस वैसे ही शेप में आप काट लें। प्याज भी हमारा फ्राई हो चुका है, इस प्याज को मैं निकाल ले रही हूँ। सेम पैन में मैं ऑयल डाल दे रही हूँ, यहाँ मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें इसे पांच फोरन बोला जाता है, इसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी हींग, 1 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हमें खमेरू को मैं कढ़ाई में डाल दे रही हूँ और इसे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने जो खड़े मसाले और अदरक लहसुन को लिया था इसे मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो प्याज फ्राई किया है इस प्याज को भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और बस एक बार फिर से मिक्सी में चलाकर इसे दरदरा में पीस कर तैयार कर लेती हूँ। खमेरू भी हमारी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब मैंने जो मसाला पीस कर रखा था इस मसाले को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, लगभग 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और मैंने जो टमाटर बारीक काट के रखा था उसे भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे तरीके से इसे मिला लेना है और इसे बिल्कुल धीमी आँच पर ढकते हुए हमें इसे फ्राई कर लेती हूँ। कुछ देर ढककर मैंने इसे पका लिया था और मसाले से तेल निकलना शुरू हो गया है। मसाला हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था। इसी स्टेज पे आप इसमें पानी डाल दें। पानी आप इसमें थोड़ा ज़्यादा हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये जो खमेरू होती है वो बिल्कुल हार्ड होती है, तो इसे पकने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं पानी डालकर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर और इसे ढककर हमें पका लेना है जब तक ये अच्छे तरीके से पक ना जाए। और जितनी ग्रेवी रखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्रेवी रखें। सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। इसे मैंने कुछ देर पका दिया है और आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। अब मैं कट करके लगा कर दिखा रही हूँ, ये काफ़ी आसानी से कट गई। और अब मैं इसमें धनिया की पत्तियाँ डाल दे रही हूँ। इसे धनिया की पत्ती से मैं गार्निश कर दे रही हूँ। सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी जो झारखंड की लोकल सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इससे जो खुशबू आ रही है बिल्कुल मटन की खुशबू आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है।
और इसे आप चावल के साथ सर्व करें, ये काफी आपको पसंद आएगी। और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।